देश में एक तरफ जहां डेढ़ साल से कोरोना वायरस ने आतंक मचा रखा है, तो वहीं दूसरी तरफ एक नया वायरस है जिसने कहर बरपाना शुरू कर दिया है। हम बात कर रहे हैं जीका वायरस की। इस वायरस का पहला मामला केरल में दर्ज हुआ है, जहां तिरुवनंतपुरम में 24 साल की एक महिला इस वायरस का शिकार हुई है। बता दें कि महिला ने 7 जून को ही एक बच्चे को जन्म दिया है। हालांकि महिला की हालत स्थिर बताई जा रही है। कोरोना महामारी के बीच एक और खतरनाक वायरस की खबरों ने लोगों को डरा दिया है। ऐसे में आइए जानते हैं कि आखिर ये जीका वायरस है क्या और कैसे ये आपको अपना शिकार बना सकता है। असल में जीका मच्छर से फैलने वाला एक वायरस है जो एडीज एजिप्टी नामक मच्छर के काटने से फैलता है। WHO के मुताबिक इस प्रजाति के मच्छर आमतौर पर दिन के समय में काटते हैं और इनकी संख्या शाम के वक्त पीक पर होती है। बताते चलें कि डेंगू चिकनगुनिया जैसी बीमारी भी इसी मच्छर के काटने पर फैलती है। विशेषज्ञों का मानना है कि आम लोगों के मुकाबले जीका वायरस गर्भवती महिलाओं को ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता है, जिसके कारण उन्हें गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। जानकारी के मुताबिक ये वायरस पहली बार साल 1947 में युगांडा के बंदरों में तो वहीं तंजानिया के इंसानों में पाया गया था, जिसके बाद ये वायरस अमेरिका से लेकर अफ्रीका और एशिया तक में फैल गया था। यही नहीं, इसके बाद भी साल 2007 और साल 2015 में इस वायरस के आउटब्रेक्स देखे गए थे। पर फिलहाल ये वायरस कहीं कोरोना महामारी जैसा रूप ना ले ले, चिंता बस इसी बात की है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी बिहार, झारखंड।